पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हम कई बार कोई भी फॉर्म, जैसे कि सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी, जैसे कोई जैसे आधार कार्ड करेक्शन करते हैं या किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, तो उस वहाँ पे हमें पीडीएफ फाइल की आवश्यकता होती है। और वहाँ पे हमारे पास जेपीजी फाइल होता है, तो हम उसे पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करें? जेपीजी फाइल होता है तो उसे पीडीएफ कैसे, या फिर आपके पास जैसे एमएस वर्ड की फाइल हो तो उसे कैसे हम पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं, ये देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम खोलेंगे, वहाँ पे हम गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जैसे आपके पास जेपीजी जैसे इमेज हो, जिस भी प्रकार जैसे जेपीजी है, मेरे पास फ़ोटो है, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट। देखो आ गया होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ गया है, ये इस पर क्लिक करेंगे। एक बात और, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा हम स्मॉल पीडीएफ का ही वेबसाइट का ही यूज़ करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो भी इमेज है जिसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप एक दो तीन, मैं तीन इमेज ले लेता हूँ, या आप कहते हैं तो चार ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर डन करेंगे, सबसे ऊपर डन लिखा है, डन क्लिक करेंगे और ये हमारा फाइल अपलोड हो रहा है। एक से दो मिनट लग सकता है अगर आपका नेटवर्क की स्पीड सही है, तो उससे पहले भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और ये हमारा फाइल अपलोड हो गया। अब ये देखो सबसे ऊपर आपका यहाँ लिखा होगा कन्वर्ट, कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। और ये हमारा पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो गया, सॉरी बैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आया हुआ है, डाउनलोड फाइल, सेव ड्रॉपबैक्स, सेव गूगल ड्राइव। आप जहाँ भी मतलब जैसे सेव गूगल ड्राइव में अगर ये आप सेव करना है सेव कर सकते हो। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन जैसे कंटिन्यू, ये सब नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम डाउनलोड फाइल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और ये देख सकते हैं नीचे पे नीचे ऑप्शन आया है, डू यू वांट टू डाउनलोड। तो हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। अब ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको जहाँ भी आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आप जहाँ भी आपको आवश्यकता हो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आप एमएस वर्ड की फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पे हम वर्ड, एमएस वर्ड टू पीडीएफ, ये देखो सेकंड ऑप्शन आ गया होगा, सेकंड सॉरी पीडीएफ कन्वर्ट। और यहाँ भी हम सबसे पहले ये स्मॉल पीडीएफ वेबसाइट का ही यूज करेंगे। यहाँ से हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास पीडीएफ फाइल है एमएस वर्ड का उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास अभी तो खास तौर से भी कोई एमएस वर्ड का फाइल नहीं है, बस यहाँ सेलेक्ट करके
आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं।